इसका उसका लेवल अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो आप कोशिश करो कि जो आपके पास हॉस्पिटल में है, जो ऑक्सीजन पे जो है, उनको कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर उनको बुखार नहीं है, अगर उनको कफ नहीं है, अगर उनके चेस्ट में इन्फेक्शन ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका एसपीओ लेवल थोड़ा डाउन आ गया, तो उनको ऑक्सीजन एक बार कंसंट्रेटर से देकर उनका सैचुरेशन ठीक करके उनको घर भेजो। उनको ऑक्सीजन पे सिर्फ आपने वही रखने हैं जिनको सच में जिनको बुखार भी है, जिनको चेस्ट में सीवियर इन्फेक्शन है, जिनको कफ भी है और उनका एसपीओ लेवल भी डाउन है। ये चार पॉइंट्स जहां पर हो रहे हैं उन्हीं को आप यहां पर ऑक्सीजन पे रखो, नहीं तो साइकोलॉजिकली उनको ट्रीट करके, मैं आपको वीडियो अभी दिखाती हूँ इसमें, चेस्ट उनको फिजियोथेरेपी देके उनको कॉपी, आप बिल्कुल ठीक हो, आप अपने घर जाओ, वहां पर आप आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि लोगों का जैसे ही 90 से थोड़ा सा नीचे आता है उनको लगता है भी तुम्हारा तो काम हो गया, बस तुम तो गए, उनको तुरंत ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, ये चीज आप लोगों को बहुत बहुत समझदारी के साथ, बहुत इंटेलिजेंस के साथ आपको देखना है कि हमें ऑक्सीजन किसको चाहिए देनी है, किसको नहीं देनी है। क्योंकि सिलेंडर लोग स्टोर कर करके रखने लग गए, ये सारी चीजों को अपना ध्यान रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और सीएमओ साहब आपने भी पर्टिकुलरली। तो ये बात खास ध्यान रखो कि जिनको चेस्ट इन्फेक्शन नहीं है सीवियर, बुखार भी नहीं है और उनको खांसी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेवल डाउन आ गया, तो आप उनको कंसंट्रेटर से देकर सैचुरेशन का और उनको तुरंत प्रभाव से घर भेजो कि आप घर जाओ, कोई दिक्कत आती है तो फोन कर लेना, ठीक है। इस तरह करके आप ऑक्सीजन वालों को कम करो थोड़ा। और इसके साथ साथ अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की और जरूरत है तो आप, मैं अपने कोठे से भी जो है आपको 10 लाख रुपया देती हूँ, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मंगा लो। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा के कुछ जगहों पर कमरों के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाकर दो दो चार चार, और वहां पर पेशेंट्स को लाओ, साइकोलॉजिकल भी उनको इफेक्ट पड़ता है, वे उनको थोड़ी देर आपने लगा दिया नुक भी ठीक हो गया और उसके बाद वो लोग घर चले जाएं। 10 लाख रुपया मैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए आपको दे रही हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, जहां कहीं पे भी जरूरत है, ये 60-70 हजार का एक आता है, तो आप ये देख लो इसमें कितने आ जाएंगे। और भी अगर जरूरत हो किसी भी तरह की तो मेरे को आप बताएं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से या किसी भी तरह की कोई दवाई की कमी से किसी भी मरीज को कुछ होना नहीं चाहिए, ये आप लोगों की और हमारी मिलीजुली जिम्मेवारी है। रेमडेसिविर जो मेडिसिन है उसकी कहीं पे कोई दिक्कत है तो वो मुझे बताएं, और भी कोई लाइफ सेविंग ड्रग अगर है कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं, मेरा कॉन्स्टेंट ऊपर भी टच है हर किसी से, जहां पर भी कोई दिक्कत आती है आप मुझे बताएं। लेकिन सिरसा लोकसभा के किसी भी नागरिक को किसी ऑक्सीजन की वजह से या कोई दवाई की वजह से उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और सीएमओ साहब आपको तो मालूम भी होगा कि कई बार फीवर हाई ग्रेड आ रहा है लगातार 7-8 दिन तक, अगर वो हमारा क्रोसिन से पैरासीटामोल से भी ठीक नहीं हो रहा है तो हम उसको स्टीरॉयड देते हैं, स्टीरॉयड से उसके बाद उसका फीवर जो है वो डाउन आना शुरू हो जाता है। तो लोगों को आप इस तरह से भी जागरूक करें कि अगर आपका फीवर लगातार आ रहा है तो आप चेक करवा के दवाइयां लेके घर पे ठीक हो सकते हैं। डोंट रश टू द हॉस्पिटल्स, एकदम से हॉस्पिटल की तरफ मत भागो, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन भी कितना अपने आप को संभालेगा, कितना देखेगा वो। पैनिक ज्यादा हो रहे हैं लोग, 98% लोग ठीक हो रहे हैं, जागरूकता फैलाने की बहुत सख्त जरूरत है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इस तरह के जो कैंप्स लगाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करें लोगों के बीच में, चाहे अपना फेसबुक अकाउंट है उसके माध्यम से जागरूकता ज्यादा फैलाएं कि आप और आपकी बहुत ज्यादा, देखिए हम देख रहे हैं 14% से 22% पे आ गया, इसका मतलब स्प्रेड ज्यादा हो रहा है। स्प्रेड को कैसे रोकेंगे डीसी साहब, ये आपने खास देखना है, पुलिस का खास इसमें आप जो है उनकी सहायता लें, जगह जगह पर लोगों को सख्ती कहें, उनको मास्क लगा के रखें और इसके साथ साथ कहीं भी इकट्ठे ना हो। और एक और तीसरी बात कि अभी एक डिस्ट्रिक्ट में मेरे को देखने में आया है कि वहां पर किसी होटल वाले ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है कि वहां पर अगर किसी परिवार में कोविड है तो वो अपना आरटीपीसीआर का रिपोर्ट उनको भेज दें तो वो खाना उनको वहां पर जो है प्रोवाइड करवा देते हैं। क्योंकि अगर एक परिवार में माँ बाप जो है वो पॉजिटिव हो गए, बच्चे नेगेटिव हैं, माँ बाप अगर खाना बना के बच्चों को भी देंगे तो वो भी नेचुरल पॉजिटिव आ जाएंगे, तो अगर उनको खाना पूरा बाहर से आ रहा है तो 6-7 दिन की बात है, सब मिलके जितनी भी, चाहे हमारे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, हमारे गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, वो कहीं जैसे राधा स्वामी